वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं समर स्लैम, क्या हमें यूके में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। रोमन रेंस को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि हमें देखने को मिल सकता है समर स्लैम में, उनके मैच से रिलेटेड। एंड डिस्कस करने वाले भाई सेथ रॉलिंस के बारे में, बैकी लिंच क्या लीव करते हुए दिखाई देंगी WWE, अलेक्सा ब्लिस स्पॉट होते हुए दिखाई दी, और अंकल हाउडी, बहुत सारी मैसिव अपडेट्स है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि है WWE के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर, जो कि हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिल रहा है आज के WWE के मंडे नाइट रॉ के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट को लेकर। और ये वाला सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो शेमस का सेगमेंट होता है। शेमस के सेगमेंट के दौरान हमें यहाँ पर एक सुपरस्टार देखने को मिलती है, और वो सुपरस्टार बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस हैं। कुछ फोटोज़ देखने को मिली है, फोटोज़ आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब लग तो रहा है कि भाई अलेक्सा ब्लिस जैसी यहाँ पर कोई सुपरस्टार है। क्या वो अलेक्सा ब्लिस है इसको लेकर मैं कुछ कंफर्म तो नहीं कर सकता, बट जिस तरीके का हुलिया पूरा देखने को मिल रहा है, लग तो रहा है कि हाँ ये अलेक्सा ब्लिस ही हो सकती है। अब हो सकती या फिर नहीं हो सकती इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई अपडेट्स आती है, कुछ स्पॉयलर्स, तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बट फिलहाल के टाइम पे एक्सपेक्ट करके चलो कि शायद हो सकती है अलेक्सा ब्लिस ही। वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट इंपॉर्टेंट था जो कि मुझे पहले बताना था ना, सॉरी भूल गया। और ये अपडेट है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर। तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का आज है बर्थडे, या सेथ रॉलिंस का आज बर्थडे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सेथ रॉलिंस सभी लोग को पता है, शील्ड के मेंबर, रोमन रेंस के ब्रदर, रोमन रेंस को हर रास्ते पे रोकने वाले, रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड करवाने का सबसे बड़ा रीज़न सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अपने करियर के अंदर काफ़ी कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है, तो उनका आज बर्थडे है, विश कर देना सभी सेथ रॉलिंस के। आई नो सेथ रॉलिंस के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो विश तो करना बनता है बाकी। वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैकी लिंच से रिलेटेड। तो भाई बैकी लिंच, आज का जो WWE का रॉ देखने को मिला, उस रॉ के एंड होने के बाद हमें बैकी लिंच की तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई बैकी लिंच कहीं जा रही है क्या छोड़ के WWE। वेल एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या रिपोर्ट्स आई है, मतलब क्या वीडियो भी देखने को मिला है, तो वीडियो ये है कि भाई बैकी लिंच यहाँ पर जो स्टील केज मैच खत्म होता है लीव मॉर्गन से हारने के बाद, यहाँ पर उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है क्राउड की तरफ से। क्राउड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको चीयर अप करते हुए दिखाई देती है। देन इसके बाद क्राउड को हाथ उठाकर, देन इसके बाद वो हमें रिंग को छोड़ते हुए दिखाई देती है। एंड बैक स्टेज में भी एक हमें यहाँ पर कुछ फोटो देखने को मिला जहाँ पर बैकी लिंच WWE के एरिना को भी लीव करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर बैकी लिंच की वो वाली फोटो देखने को मिल रही है। सो बैकी लिंच लीव करते हुए दिखाई देंगे, इसको लेकर मैं भी आप लोग को अपडेट बता देता हूँ। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है जो कि सीन रॉस की तरफ से देखने को मिला है, जिनका ये कहना है कि बैकी लिंच में भी दूसरा कंपनी भी मे भी हो सकता है चूज़ करते हुए दिखाई दे जाए। उनका मानना है, उनका ये कंफर्म नहीं कहना है कि ऐसा ही होगा, बट इनका मानना है कि हो सकता है कि मे बी WWE को WWE और जो नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा बैकी लिंच का, उस टाइम पे WWE और ऑल एलीट रेसलिंग दोनों कंपनी काफ़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दे सकती है बैकी लिंच को, और जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उतना ज़्यादा पैसा, और जहाँ पर बैकी लिंच को लगेगा वो वहाँ पर जाएंगी। भले से अगर ज़्यादा पैसा बैकी लिंच को ये AEW वालों ने ऑफर कर दिया, अगर बैकी लिंच के अंदर लॉयल्टी है तो वो ऑब्वियसली WWE से साइन करेंगी, अगर नहीं लॉयल्टी है तो भाई वो फिर हमें नहीं साइन करते हुए दिखाई देंगी। मैं तो ये चीज़ें बैकी लिंच के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डिसीजन बैकी लिंच को लेकर रहेगा कि भाई वो WWE के साथ में बने रहे या फिर किसी और दूसरी तुच्छ कंपनी के अंदर जाएं। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि भाई साहब समर स्लैम के WWE के काफ़ी इंटरेस्टिंग UK के प्लान्स को लेकर। तो ज़ेरोनिस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स देखने को मिली है। रिपोर्ट्स ये है कि भाई WWE फ्यूचर में समर स्लैम UK में करवाते हुए दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल के टाइम पे कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी ही है जो ज़ेरो न्यूज़ यहाँ पर इसको लेकर टीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत पहले से इस चीज़ को लेकर अपडेट्स आ रही है। बहुत लोगों ने कह भी रखा है कि समर स्लैम लाएंगे, समर स्लैम जाएगा UK में हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर देखने को मिले समर स्लैम UK में, मे बी। और तो अगर ऐसा होता है तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे 2026 की बात करें तो भाई 2026 का समर स्लैम बुक हो चुका है मिनेसोटा मिनियापोलिस में। तो ऐसे में यहाँ पर अगले साल का समर स्लैम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मे बी UK में देखने को मिल जाए।
और फिलहाल लेट्स सी इसको लेकर कुछ और अपडेट्स आती है तो मैं जरूर आप लोग को बता दूंगा। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर QR कोड और अंकल हाउडी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा टीज भी है। और टीज ये है कि भाई जो अंकल हाउडी है इनको लेकर आज के मंडे नाइट रॉक के अंदर न्यू QR कोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक बंदा भी कुर्सी भी देखने को मिलता है, और ऑल्सो कुछ ऐसे टीजर्स देखने को मिलते हैं जो सारे टीजर्स इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं 17 जून को, जो कि हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा क्लैश एट दी कैसल के बाद का उस टाइम को मेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है समझे कि हम लोग क्लैश एट दी कैसल के बाद देख पाएंगे जो कि अंकल हाउडी को और अंकल हाउडी की फैक्शन को? वेल, मुझे लगता है कि वो सही टाइम भी रहेगा, सही डिसीजन भी रहेगा, और उसी टाइम पे लाना भी चाहिए अंकल हाउडी को। फिलहाल तो अभी ये हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही है बस एक शिगुफा है जो कि अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ अंकल हाउडी आएंगे, अंकल हाउडी के टीजर्स हो रहे हैं, अंकल हाउडी के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दिखाई जा रहे हैं जो कि उनसे कपड़ा हटाया जा रहा है, फिर मतलब ऐसी चीज़ें हमें उनके QR कोड के अंदर देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअली में कब तक वो आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा रिंग के अंदर। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर रोमन रेंस प्रॉब्लम को लेकर देखने को मिल रहा है। तो भाई रोमन रेंस का रिटर्न बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर स्लैम से पहले, समर स्लैम तक, बट रोमन रेंस का मैच क्या हमें एक्चुअली में समर स्लैम में देखने को मिल पाएगा या फिर नहीं देखने को मिल पाएगा? क्या रोमन रेंस का रिटर्न करते ही इतना डिले हो जाएगा कि उनका कोई समर स्लैम के अंदर मैच ही ना हो पाए? सो अभी क्या कुछ है इसको लेकर मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक प्रॉब्लम ऐसी देखने को मिल रही है कि भाई रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो अभी मतलब एक तरीके से कंफर्म नहीं है कि हमें कब तक देखने को मिलेगा, और जो रिटर्न हो सकता है वो मनी इन द बैंक तक अगर देखने को मिल गया मनी इन द बैंक के बाद तक, तो कंफर्म समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिलता है कि मनी इन द बैंक के बाद भी रोमन रेंस नहीं रिटर्न करते हुए दिखाई दिए और समर स्लैम के आसपास रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, देन इसके बाद फ्यूड बिल्ड करने में, रोमन रेंस का कोई मैच रखवाने में समर स्लैम तक प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स वाई कि वहाँ पर शायद से हमें मैच ना देखने को मिले रोमन रेंस का, ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती है। वैसे प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई रोमन रेंस को लेकर, बट फिलहाल के टाइम पर प्रॉब्लम यही है बड़ी कि मे बी शायद रोमन रेंस का मैच हमें समर स्लैम के अंदर कंफर्म ना हो पाए, कोई फ्यूड ऐसी बिल्ड ना हो पाए जो कि हमें शायद मैच ना देखने को मिले समर स्लैम में। लेकिन अगर WWE जोर जबरदस्ती करवा देती है, मैच रखवा देती है, तो वो तो अलग बात है फिर। बाकी आप लोग का इसके ऊपर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, क्या मैच होगा या फिर नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो भी कर लिया करो भाई, इंस्टाग्राम ट्विटर सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है भाई, ठीक है, फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।